तो आज है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। आज भी अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको कई लेक्चर्स में बताया है और हर लेक्चर में मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, आप किसी से भी पढ़ लो, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी मैथमेटिक्स 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उसमें। इसलिए ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और खुद प्रैक्टिस करो। दूसरे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, मैं भी यहाँ पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, उनको देखने से आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। देखने से तो आपको चीज़ें पता लगेगी, आपकी स्पीड कब बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बिना देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, कम्युनिटी टैब में जाइए, DPPs के आपको वहाँ पर लिंक मिलेंगे, विद सॉल्यूशन DPP है। तो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के बाद तो ज़रूर आ जाएगा। प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर की DPP चाहिए तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर प्लीज़ प्रोवाइड दिस, प्लीज़ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लीज़ प्रोवाइड दिस चैप्टर DPP, तो मैं आपको 100 200 300 जितने भी क्वेश्चन की आप डिमांड करोगे ना, उतने क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस पेपर वहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आज भी अपन क्या कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम जो है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब वो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी ईयर में आ सकते हैं, इस कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, cos x dy y sin x - y² dx। अब देखो होमोजीनियस नहीं है, दिख रहा है मेरे को, अगर आप x = kx y = ky पुट करोगे ना तो नहीं आएगा, तो होमोजीनियस तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल का ट्राई करोगे तो वो भी नहीं होगी, अपन को कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी होमोजीनियस। तो मैं dy/dx बना लेता हूँ, अपन को सॉल्व करनी पड़ेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो मैंने इस dx को इधर डिवाइड किया, तो dy/dx, उसके बाद cos x को डिवाइड कर दिया उधर, तो देखो क्या हो जाएगा, dy/dx = आएगा y/sin/cos, sin x / cos x - y² / cos x, ऐसा हुआ। ठीक है, ये x इधर आया है और ये इधर गया है। अब sin/cos और 1/cos चेंज कर दो, तो dy/dx = y tan x - y² / या फिर y² sec x लिख देता हूँ सीधे ही, sec x। तो देखो जैसे ही y² आ गया ना, अब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, अब क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें भी ध्यान रखना, लीनियर तो कब होगी, जब y^1 होगी। अगर dy/dx है ना, तो उसमें y^1 चाहिए, और dy/dx या फिर जो भी डिफरेंशियल है उसकी पावर भी 1 ही चाहिए, तभी तो लीनियर होगी। अगर यहाँ पे y² दिख रहा है, मतलब कौन सी है, बर्नौली। ठीक है, इसके बारे में भी अच्छे से समझाया है मैंने इस लेक्चर से, आई थिंक लेक्चर नंबर 6 में था। तो ये बर्नौली है, अब वैसे सॉल्व करेंगे, बर्नौली के लिए करते क्या थे, थोड़ा सा पहले बेसिक उसमें चेंज कर लो, तो इस y tan x को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो dy/dx - y tan x। तो जितना मुझे याद है ये क्वेश्चन अपन एक लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, sec x, अपन ने ये लिखा था सीधा क्वेश्चन, ये नहीं लिखा था, तो थोड़ा चेंज करने के बाद यहाँ पे आ गया, एक बार वापस से सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या करते थे, ये जो y की मैक्सिमम पावर जो होती थी ना, उसका डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितना है, y², तो y² को मैं डिवाइड कर दूंगा 1/y² dy/dx - tan x / y, हो जाएगा है ना, y² 1/y बचेगा -, का sec x। क्या करते थे उसके बाद, जो ये x का कोफिशियंट है उसको क्या सपोज करते थे, t, मतलब -1/y को मैं t सपोज करता हूँ, -1/y = t। डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/y² किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये ध्यान रखना बर्नौली में, नहीं तो ये dy/dx चेंज ही नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, -1/y² dy = dt इंटीग्रेशन जैसे, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आपको dy/dx को पूरा चेंज करना है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगी और तभी याद भी रहेगी। dy/dx, ठीक है, तो 1/y² dy/dx, ये देखो ये सीधा ही किसमें चेंज हो गया, dt/dx में, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या हुआ dt/dx, -1/y किसमें चेंज होगा, t में, तो प्लस का t इंटू टेन एक्स है -sec x, ओके।
नाउ अब देखो dt अपॉन dx की फॉर्म में है ना, तो p क्या है यहाँ पे, x का फंक्शन क्या है tan x, और q क्या है माइनस sec x. तो p और q आ गए तो if आ जाएगा. if क्या होगा, e raised to the power integration tan x dx. tan x का इंटीग्रेशन जो है log mod sec x होता है, तो e raised to the power log sec x कितना आया, only sec x. तो अब t into if कितना आया, sec x equals to integration minus sec x पहले से है, और जो if है वो क्या है, वो भी sec x है dx. इसको सॉल्व करोगे तो sec square x हुआ. t की वैल्यू कितनी, अब t की वैल्यू भी पुट कर दो, minus 1 upon y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, minus sec x upon y equals to minus sec x into sec x, sec square x. अब जो sec square x का इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा, tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x. याद रखने का तरीका है, या फिर जिस भी तरीके से आपने याद रखा हो, मैटर क्या करता है, आंसर सही आना चाहिए. तो माइनस tan x प्लस c, तो ये अपना आंसर हो गया. थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे दिया हुआ हो तो और सिंप्लीफाई कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन क्या है, y डैश प्लस y इंटू phi डैश ऑफ x आया, माइनस phi x और phi डैश x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. तो ये एक अजीब सी इक्वेशन लिखी हुई है. अब देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा. तो phi डैश आ रहा है ना, तो वहां से मेरे को पता चलता है कि हाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है. तो अभी आगे के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आप कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो देखो इसमें से, है ना. बेसिक तरीका तो क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन को देख के सॉल्व करने का, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं अपन. तो देखो यहाँ पे ये जो phi dash x है और यहाँ पे भी phi dash x दिख रहा है मेरे को, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ और इसको मैं उधर भेज देता हूँ. तो यहाँ पे y dash equals to, इसको इन दोनों को मैंने उधर भेजा, तो यहाँ से phi dash x जो है वो कॉमन आ गया. phi dash x कॉमन आया ना, तो ये तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा उधर जाके, जीरो के उधर जाके ये वाला पॉजिटिव वाला हुआ. तो ये इसको मैं पहले लिख रहा हूँ phi x, और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का y इधर बचेगा, यही हुआ. अब देखो ये जो है ना, अब phi dash को आप कुछ और समझ लेते हैं. जैसे मैंने क्या सपोज किया, जैसे मैंने ये जो phi x है ना, इसको देखो phi x लिखने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. phi x को मैंने क्या सपोज कर लिया, नया कांस्टेंट t सपोज कर लो, t में भी अपन कंफर्टेबल है, बहुत t सपोज किया अपन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, तो मैंने t सपोज किया. तो देखो y डैश का मतलब क्या होता है, dy by dx, है ना. अब अगर phi x जो है t का फंक्शन है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, t माइनस y, ये तो क्या हो जाएगा, t माइनस y सीधा. पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश है ना, मतलब phi डैश है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या होगा, dt by dx, ठीक है. तो ये आया, अब dx से dx तो कैंसिल आउट हो गया. अब मैं क्या लिख सकता हूँ, dy. अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है अपने पास, आया क्या पहले मैं वो लिख देता हूँ, dy equals to dt into t minus y, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया है. अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो दो ऑप्शन कौन से वाले हैं, कि या तो आप dt by dy बना दो, या फिर आप dy by dt बना दो, ठीक है. ये दो ऑप्शन है. dt by dy कब बनेगा, जब ये dy को मैं इधर डिवाइड करूंगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, dt by dy किससे मल्टीप्लाई होगा, t से. अगर dt by dy t से मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगी, यही तो सिखाया था. डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल का मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए, और इन दोनों की जो डिग्री है वो भी 1 होनी चाहिए. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए, ये बनाना पड़ेगा आपको, अपने आप समझ जाओ. अब इस dt को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy upon dt equals to कितना, t minus y, ये निकल के आया, dy by dt equals to t minus y. सभी को इधर लेके आ जाओ, बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व. dy upon dt plus y equals to t, तो ये देखो y की फॉर्म में है, तो यहाँ पे p क्या है, फंक्शन ऑफ t या फिर कांस्टेंट. तो p कितना हुआ, y का कोएफिशिएंट 1, q कितना है, t. तो if क्या हो जाएगा, if हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, किसका, 1 का इंटीग्रेशन, तो कितना आया, t, तो e की पावर t, ये हुआ अपने पास if. तो आंसर कितना हो जाएगा, y into if, y into e की पावर t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या, q, q कितना है, t, t into e की पावर t, if है dt. इसको कैसे करोगे, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, कई बार सॉल्व कर चुके हैं.
बहुत सारे स्टूडेंट तो इसका रिजल्ट भी सीधा याद रखते हैं, अगर आप भी याद रख सको तो याद रख लेना, स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव होगी उससे आपकी, या फिर चेन रूल जो है वो अप्लाई करोगे तो उससे भी तो हो जाएगा। चेन रूल भी तो सिखाया अपन ने इंटीग्रेशन में, U को छोड़ दिया, V का इंटीग्रेशन माइनस, वही वाला तरीका है। बाकी ये तो एक बार आई लेट अप्लाई होगा तो चेन रूल तक जाने की जरूरत नहीं, एक बार अप्लाई कर दो। तो y इंटू ई की पावर t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दिया e की पावर t का, e की पावर t माइनस फर्स्ट का t, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर t, तो माइनस e की पावर t लिख रहा हूँ मैं सीधा ही, प्लस c। ठीक है कि सर यही आंसर थोड़ा ना होगा, हाँ अपन को t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, f फाई एक्स, अपन को शाई एक्स पुट करना पड़ेगा टी की जगह, तो वो आप आई थिंक खुद पुट कर लोगे और आंसर फाइंड आउट कर लोगे फाइनल जो है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, जब तक डीवाई बाई डी एक्स है, जब तक डीवाई बाई डी एक्स है या डी एक्स बाई डीवाई है ना, अपन काफी कंफर्टेबल जोन में सॉल्व करते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है, काफी स्टूडेंट में ये दिक्कत रहती है। जैसे कोई नया वेरिएबल आया ना, डी टी आ गया या फिर ये फाइव एक्स आ गया, फाइव टी आ गया, ऐसा कुछ आ गया, या डी एक्स की जगह डी थीटा आ गया, तो उनकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि आप डी एक्स में कंफर्टेबल हो, आप डी वाई बाई डी एक्स में कंफर्टेबल हो, क्योंकि फिर जैसे मैंने कल बोला था आपको, लिखते लिखते फिर एकदम से क्या हो जाएगा, वो कुछ और लिख देंगे, मतलब डी एक्स चलता हुआ डी थीटा चलता हुआ आ रहा है सपोज करो, तो डी थीटा की जगह अपने आप क्या लिख देंगे, वो dx लिख देंगे, फिर फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है, एक ही चीज है सॉल्यूशन, और वो है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे दूसरे वेरिएबल्स में। और बहुत सारे स्टूडेंट तो समझ नहीं पाते ना, वो तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, देखो ये जो 5x y डैश आया ना, ये क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, 2xy dy by dx equals to x square plus y square plus 1। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो सॉल्व करने का तरीका है, देखो जो वेरिएबल सेपरेबल है वो भी नहीं हो रही है, होमोजीनियस इक्वेशन वो भी नहीं हो रही है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बट सीधी लीनियर इक्वेशन भी नहीं बन रही है ये, तो इसमें अपन को पहले कुछ सपोज करना पड़ेगा, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है। तो फॉर सॉल्यूशन, तो एकदम मतलब आप ये बोल सकते हो याद करने जैसा क्वेश्चन है, हाँ मैं भी बोल सकता हूँ कि ये जो है आपको एक बार सॉल्व किया हुआ होना चाहिए तभी आप फाइनल एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको अपन को टी सपोज करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी सपोज करना है। अब इसका क्या करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy by dx ऐसा होगा, 1 का 0 हो गया इक्वल्स टू dt by dx, ये हुआ। पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाँ है आपके पास 2xy dy by dx, तो यहाँ पे 2y तो आ रहा है बस, क्या नहीं है x नहीं है, तो मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x into dt by dx ऐसा हो गया। अब यहां से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या 2xy dy by dx equals to x dt by dx minus 2x square minus 2x square। तो देखो यहां पे देखो ध्यान से, इधर भी क्या है 2xy dy by dx, इधर भी क्या है 2xy dy by dx, अगर दोनों की तरफ LHS सेम है तो RHS दोनों का बराबर कर दो, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इधर का RHS क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू दिस, इधर क्या है x dt by dx माइनस 2x स्क्वायर, बस अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी क्या करो आप माइनस टू एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और x का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कुछ होगा ये देखो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू dt by dx। ठीक है, मैंने ये 2x स्क्वायर इधर किया तो 3x स्क्वायर हो गया, अब ये जो x है इसका डिवाइड करूंगा तो अपॉन x और अपॉन x ऐसा हुआ, तो dt by dx। अब देखो t की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है अपनी जो लीनियर है, तो t का फंक्शन यहाँ पे, t का फंक्शन तो एक भी नहीं है अपने पास, t का फंक्शन है क्या, नहीं t का फंक्शन नहीं है, तो अपन को थोड़ा बहुत क्या इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करोगे,
चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा यहां पे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे कितना है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, अलग अलग नहीं इसको साथ में लिख देता हूं मैं, क्योंकि देखो आपको एक t का फंक्शन तो लेके आना पड़ेगा, ये y को हटाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो पूरा y, इधर x आ रहा है ना, तो ये y को हटाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करो, देखो अपन ने ये सपोज किया था ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो यहां से मैंने क्या किया dt by dx इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 ऐसा सपोज कर लिया अपॉन x, तो ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा t में चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू तो क्या था t था, तो यहां पे t पुट कर दो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, dt by dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस t अपॉन x, ठीक है। LCM अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा यहां पे, यहां पे हो जाएगा 2x अपॉन t अपॉन x, इधर इसको इधर लेके आओगे तो dt by dx माइनस t अपॉन x माइनस t अपॉन x इक्वल टू 2x, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जहां पे p क्या है x का कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, तो p है अपने पास माइनस 1 अपॉन x और q क्या है इधर 2x, p और q दोनों आ गया तो अपना if भी आ जाएगा। अब if कितना होने वाला है इस क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं, तो देखो जो if होगा वो हो जाएगा अपने पास if इक्वल टू e की पावर माइ इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x dx, तो e की पावर माइनस log x यही होगा, माइनस ऊपर चला गया तो कितना बचा 1 अपॉन x बचेगा, x की पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन x, सब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा t into if which is 1 अपॉन x इंटीग्रेशन, q क्या है, q है 2x, if क्या है 1 अपॉन x dx, ये हुआ तो t अपॉन x इक्वल्स टू x x कैंसिल आउट हुआ 2x प्लस c, ये आ गया आंसर। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर निकल के आया है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेना अगर ऑप्शन मैच नहीं होता हो तो, x को उधर मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर बना लोगे, इसके साथ सबट्रैक्ट कर लोगे, तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा अपन को आपको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है e रेज़ टू द पावर x इनटू x प्लस 1 dx प्लस y इनटू e की पावर x y इनटू e रेज़ टू द पावर y माइनस x इनटू e की पावर x dy इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है, मतलब एक तो हो रहा है x इंटू e की पावर x और एक यूज हो रहा है e की पावर x इंटू x प्लस 1। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन में काफी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं तो आप समझ गए होंगे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना, तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, मतलब ये दोनों टर्म दिख गई ना, मतलब आप इसको टी सपोज करोगे तो यहाँ पे ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये डीटी में चेंज हो जाएगा, तो ये ही इसमें थोड़ा सा सोचने वाली या फिर ध्यान रखने वाली चीज है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्व करने के लिए करना क्या है, x इंटू e की पावर x को मैंने क्या सपोज किया t, ठीक है। अब इसका मैंने अब या तो देखो पूरी क्वेश्चन में पहले या तो ये x रिमूव कर दो, dx जो है ना इसको मैं dy by dx बना देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू x प्लस 1 प्लस y इंटू e की पावर y माइनस x इंटू e की पावर x इंटू dy by dx इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा x इंटू e की पावर x को t सपोज कर लेता हूं, अभी मैंने क्या किया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x को छोड़ दिया e की पावर x, e की पावर x को छोड़ दिया x का 1 इक्वल टू dt by dx ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहां पे e की पावर x कॉमन लेते हैं, e की पावर x कॉमन लेते हैं 1 प्लस x बचेगा इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। ये dx जो है यहां पे भी भेज सकते हो, बात एक ही है। तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा अपने पास dt by dx, ये dt by dx आया प्लस यहां पे अब ये क्या है, ये तो वैसा का वैसा रिमेनिंग है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिखो y e की पावर y, क्योंकि ये तो चेंज हुआ ही नहीं, ये क्या है, ये अपने पास x into e की पावर x किस में चेंज किया था t में, तो ये है t into dy by dx, ठीक है। अभी देखो ये भी dx है, ये भी dx है, तो ये दोनों dx तो उड़ गए,
अब क्या बचा अपने पास, डी टी प्लस वाई इंटू ई की पावर वाई माइनस टी इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। अब जैसा पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, यहां पे फिर से आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, डी वाई बाई डी टी बनाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, डी टी बाई डी वाई बनाए। अब अगर ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है या फिर होमोजीनियस हो जाता तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाता, मतलब लीनियर ही बनाना पड़ेगा। अब लीनियर में अपने पास क्या है, देखो ये दो ऑप्शन है, या तो मैं ये बनाऊं या फिर ये बनाऊं। अब कब लीनियर होगा, जब dy by dx into dy by dx by t बना दूं ना मैं, तो इसके साथ y का मल्टीपल नहीं चाहिए, है ना। ये सब मैं बता चुका हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिफरेंशियल है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये y आ रहा है, और जैसे ही बाई डी वाई बाई डी टी बना दिया आपने, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। मतलब ये आपको नहीं बनाना है, क्या बनाना पड़ेगा, dt by dy, समझ गए। तो इस टाइप से आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप बातें दिमाग में आ जाती है। बाकी फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये डी टी अपॉन डी वाई प्लस वाई ई की पावर वाई माइनस टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, टी को इधर लेके आ जाता हूँ और वाई इसको इधर भेज देता हूँ, तो डी टी बाय डी वाई माइनस टी इक्वल्स टू वाई ई की पावर वाई माइनस हो जाएगा। अब p कितना हुआ, देखो dt by dy है तो p क्या होगा, या तो फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा। फंक्शन ऑफ y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो p कितना हुआ माइनस वन, है ना, t का कोएफिशिएंट। और जो q होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ये माइनस वाई ई की पावर y, ये हुआ। अभी अप्लाई करो तो जो if है, if कितना हो जाएगा, e रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस वन dx, मतलब e की पावर माइनस dy होगा यहाँ पे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y के रेस्पेक्ट में। तो e raise to the power minus 1 dy कितना हुआ, e की पावर माइनस वाई। तो ये if आ गया। अब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, t into if, if की वैल्यू कितनी, e raise to the power minus y, ये हो गया equals to integration यहाँ पे minus y into e की पावर y, है ना, ये था पहले से, और into e raise to the power minus y क्या आया, if। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, dy ओनली y dy बचा। तो t into e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, मतलब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। t इक्वल टू क्या था, t इक्वल टू था x into e की पावर x, तो पुट कर दो यहाँ पे x into e की पावर x, e की पावर y को अपॉन e की पावर y, ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो देखो बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी है, जैसे वो कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन आगे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में है, बाकी वो भी आसान क्वेश्चन है, और बेसिक इंटीग्रेशन भी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी उसमें थोड़ा बहुत यूज हुआ है। तो अपन को दिया हुआ है fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x ft इनटू cos t, f t into cos t minus cos t minus x, ठीक है, ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में है, into dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, fx equals to, if fx equals to this, ये फंक्शन लिखा हुआ है, fx is differentiable function then find fx, fx क्या है, एक differentiable function है, मतलब आप differentiation कर सकते हो यहाँ पे, तो fx की value बताओ। तो देखो उससे पहले अपन को थोड़ा सा इसको simplify करना पड़ेगा, इसी वजह से ये जो question है थोड़ा सा important type का है। क्या simplify करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले तो दोनों integration को अलग अलग कर दो, तो fx equals to क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे differentiation नहीं करूँगा, देखो पहले मैं differentiation नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके x ft into cos t dt, ये हुआ। अब ये तो पूरा किसकी फॉर्म में, x की, t की फॉर्म में, तो यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट यहां पे दिक्कत है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके x cos of t minus x dt। अब देखो जैसे यहां पे t की जगह x पुट करोगे ना, x minus x 0 हो जाएगा, तो वहां पे डिफिकल्टी है, मतलब तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने से पहले। अब वो क्या, कैसे चेंज करोगे, तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो क्या, मतलब यहां पे अप्लाई कर दो बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, बस वो पुट कर दो। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स एफ टी
cos t यहां पे है पहले से dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके x। तो देखो अब किसके रेस्पेक्ट में आएगा, t के रेस्पेक्ट में है ना, t के रेस्पेक्ट में है तो t की जगह क्या आएगा, t की जगह आएगा x माइनस t, a माइनस x था ना 0 से लेके a। देखो अपनी प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रेशन 0 से लेके a fx dx को मैं क्या लिखता था, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x dx ये लिखता था, मतलब अपर लिमिट, लिमिट माइनस जो भी आपका फंक्शन है। तो लिमिट क्या है यहाँ पे, लिमिट है अपने पास x, तो यहाँ पे a माइनस x में क्या हो जाएगा, देखो मैं अब लिख रहा हूँ सीधा cos t की जगह क्या आएगा x माइनस t है ना, और माइनस x यहाँ पे पहले से है, ठीक है समझ आया होगा आपको क्या हुआ है यहाँ पे, बस प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की है। अब देखो t की जगह चेंज होगा यहाँ पे, x की जगह चेंज नहीं होगा क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, dt के रेस्पेक्ट में, मतलब t के रेस्पेक्ट में। तो ये x x कैंसिल आउट हो गया, x x कैंसिल आउट होने के बाद cos ऑफ माइनस t कितना हो जाएगा cos t, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो fx की वैल्यू कितनी हुई अभी अपने पास, तो यहाँ पे fx निकल के आएगा टोटल, तो देखो fx आया अपने पास fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x ft cos t dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके x, क्या बचा ओनली cos t बचा, मतलब cos माइनस t बचेगा, माइनस t का मतलब भी क्या है cos t, क्योंकि cos माइनस थीटा भी क्या होता है cos थीटा, cos t dt। अभी डिफरेंशिएशन कर दो कि कौन सी थ्योरम यूज होगी, लेबनीज थ्योरम यूज होगी, fx मतलब अभी क्या हो गया f'x, तो f'x इक्वल्स टू जैसे यहां अपर लिमिट t की जगह x आएगा तो fx cos x ऐसा, और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहां पे क्या हुआ माइनस, जैसे पुट करोगे तो cos x और 0 वाले में पूरा ही 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये अपना फाइनल आंसर आया। अब देखो ये है क्या, ये है dy by dx equals to fx की जगह क्या होता है y into cos x माइनस cos x, ठीक है dy by dx है, तो इन सभी को इधर लेके आ जाओ तो फाइनल आंसर भी आ जाएगा आपको, इनको इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हुआ dy by dx माइनस y cos x इक्वल्स टू माइनस का cos x, दिख गया क्या है, p इक्वल्स टू है माइनस का cos x और जो q है वो कितना है, वो भी माइनस का cos x है। if फाइंड आउट कर लोगे फाइनल आंसर आ जाएगा, if क्या होगा यहाँ पे, if e raised to the power integration minus cos x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में dx, माइनस तो बाहर है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो e raised to the power minus sin x आया, ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास y into if, तो y into e की पावर माइनस sin x इक्वल्स टू, अब देखो यही तो अपना आंसर होगा, fx पूछा था ना उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, fx का मतलब क्या है, उसने y ही पूछा है, ये y ही तो है, मतलब इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपकी, तो निकाल लोगे अब आप इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन ये कितना है माइनस cos x, माइनस cos x क्यों था इंटू आई एफ कितना आया e raised to the power minus sin x dx, ये आया। अभी आपको दिख गया होगा जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स को टी सपोज करूंगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा डी टी में, तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली बचेगा आपके पास ई रेस टू द पावर टी बचेगा। अब उसका इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना आता है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया पर फिर भी अपन फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने माइनस का साइन टी को क्या सपोज किया, माइनस का साइन एक्स को क्या सपोज किया टी, तो माइनस का कॉस एक्स डी एक्स किस में चला गया डी टी में, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा वाई अपॉन ई की पावर साइन एक्स, ये हुआ है ना, माइनस को मैंने नीचे भेज दिया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर टी डी टी, ठीक है जैसा मैंने बोला इसको टी सपोज करोगे ये पूरा डी टी में चला गया, ये हुआ तो वाई अपॉन ई की पावर साइन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी, टी की जगह क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ y upon e की पावर sin x equals to e की पावर माइनस साइन एक्स मतलब 1 upon e की पावर sin x plus c, ठीक है ये आया y equals to निकाल लोगे तो इसको इधर डिवाइड किया तो y equals to क्या आया 1 plus, ठीक है e की पावर sin x upon e की पावर sin x तो क्या हो गया 1, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 plus c into e की पावर sin x, तो ऐसा कुछ फंक्शन निकल के आएगा अपना जो y क्या मतलब, y का मतलब क्या fx, तो जो fx होगा ना वो कैसा फंक्शन होगा 1 plus c into e की पावर sin x। अब मे बी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो
y0 equals to 1, मतलब x equals to 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। अगर c की वैल्यू आ गई तो आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन भी आ जाएगा, अभी तो एक कांस्टेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है अपना। ओके आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, dy by dx equals to root over 1 minus y square upon y is a solution of a circle, तो उस सर्किल की सेंटर ये है, रेडियस कांस्टेंट है, सेंटर ये है, रेडियस कांस्टेंट है ना, इस टाइप के चार ऑप्शन है, अपन सॉल्व कर लेते हैं तो वी विल गेट द आंसर। तो देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to root over 1 minus y square upon y, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये तो सीधी वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रही है ना, y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो वैसे सॉल्व कर लो। तो कितना हुआ ये y dy upon root over 1 minus y square equals to dx, ऐसा हुआ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के लिए 1 minus y square को क्या सपोज करोगे, ऐसा करो t square सपोज कर लो तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। t square सपोज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होगा आपके पास माइनस का 2y dy equals to 2t dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, y dy की वैल्यू क्या हुई, माइनस का t dt, तो इंटीग्रेशन माइनस का t dt अपॉन, ठीक है, अपॉन रूट ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा t square equals to x plus c, ठीक है, सिंपल से इंटीग्रेशन है, आ गया होगा आपको समझ क्या करना है मतलब इसमें। अब देखो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, तो कितना बचा माइनस का t, तो माइनस का t इक्वल्स टू x प्लस c, बस ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या है, t इक्वल्स टू है अपने पास रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो देखो रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस c, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस c का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। हाँ तो c की वैल्यू आप फिलहाल फाइंड आउट नहीं कर सकते, इन सभी को इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये निकल के आई अपने पास क्या, सर्किल की इक्वेशन। अब अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो देखो जो सेंटर है ना, सेंटर वो कितना है, सेंटर है अपने पास माइनस सी कॉमा जीरो, और जो रेडियस है वो कितनी है 1 स्क्वायर यूनिट, तो रेडियस तो कॉन्स्टेंट है और जो सेंटर है माइनस सी कॉमा जीरो है। उसके बाद अगर जो ऑप्शन है उससे आप मैच कर लेना कि जो कौन सा है, देखो इसमें तो 0.1 दिया हुआ है, इसमें भी 0.-1 दिया हुआ है, बट वो तो गलत है क्योंकि c माइनस सी कॉमा जीरो या ऐसा कुछ दिया हुआ होगा आपको, तो चार जो ऑप्शन थे उसमें मिल जाएंगे आपको, मैंने जो रिमेनिंग ऑप्शन थे वो नहीं लिखे हैं, बट आपको समझ आया होगा ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ। अब देखो यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना वो दो है, वन को आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं कंसीडर करोगे, जैसा मैंने आपको बताया आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता क्या है, ना कांस्टेंट होता है ना वेरिएबल होता है, वो बीच का होता है। अब वन तो पूरा कांस्टेंट है ना, तो वन को आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, कितना हुआ 2ax 2ax प्लस 2by dy by dx, यही होगा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, y dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो आपको एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब आप एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 2ax का कितना हुआ ओनली 2a, 2b तो कांस्टेंट है, y dy का क्या होगा, y को छोड़ दिया d2y by dx square plus dy by dx को छोड़ दिया इस बार, y का dy by dx, तो dy by dx का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू बतानी है ना, मतलब यहाँ से a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा y d2y by dx square, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया यहाँ से माइनस a by b, माइनस कैपिटल a अपॉन कैपिटल b, ये निकल के आया है ना। अब देखो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है a और b को रिमूव कैसे करें, तो वो यहाँ से होगा, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी या फिर फाइंड आउट नहीं कर पाए ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इक्वेशन। तो बेसिक ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने पढ़ा है जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं चाहिए। तो यहाँ से y dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इस यहाँ से y dy by dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी a by b की, तो a by b की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं क्या,
यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, देखो इसको मैंने इधर भेजा तो माइनस टू ए एक्स हो जाएगा, है ना, एक्स का डिवाइड कर दो तो अपॉन एक्स हो गया यहाँ पे, उसके बाद मैंने टू बी का डिवाइड कर दिया तो अपॉन टू बी हो गया, टू से टू हट गया तो माइनस ए बाई बी की वैल्यू कितनी है ये, तो अपने पास फाइनल क्या आया, वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, ये आया इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी मतलब वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स, तो ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो दो नजर आ रहा है आपको, मैक्सिमम डिफरेंशियल यहाँ पे दो टाइम हो रहा है, तो ऑर्डर टू है और जो डिग्री है इसकी, इसकी पावर कितनी है वन, तो ऑर्डर टू है डिग्री वन है, ठीक है। तो ये समझ आया होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसके बाद वाला जो है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजन, जो कहां से पास करती हो, ओरिजन से पास करती हो, जिस सर, और उसका सेंटर कहां पे हो, एंड हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, जो जिनका सेंटर कहां पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, तो ये फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से है, बट ये अपन ने पहले नहीं किए इस वजह से अपन इनको लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं। अब एक दो लेक्चर और होंगे मैक्स टू मैक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके, बाकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं आपको सब बता चुका हूं, कुछ नहीं छोड़ा अपन ने। तो कहां से पास होती हो, ओरिजिन से पास होती हो, और जो सेंटर हो कहां पे हो, एक्स एक्सिस पे, तो ऐसा सर्किल बनेगा, या फिर कि सर ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा ही बन सकता है कि सर ऐसा नहीं बन सकता, ये भी एक्स एक्सिस है तो ऐसा भी बन सकता है, सर ऐसा ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, तो इस कैटेगरी वाले बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं। अब जो इसका सेंटर होगा ना, इसको कंसीडर करो, इसका जो सेंटर हुआ कितना हुआ, सपोज करो r कॉमा जीरो इसका सेंटर हुआ, तो r कॉमा जीरो अगर सेंटर हुआ तो यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी तो r ही होगी, समझ गए, मतलब रेडियस भी r है और सेंटर में भी r आएगा, मतलब जो इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सेंटर कितना हुआ r कॉमा जीरो, रेडियस कितनी हुई r, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अभी मैं इसको x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, तो एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, दो नहीं कंसिडर करेंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितना है एक। अब इसका सॉल्यूशन तो डिफरेंशिएशन कर देना, कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस आर इसका हो गया प्लस यहाँ पे x माइनस आर का फिर से वन हो गया, वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू कितना हुआ, इक्वल टू हो जाएगा यहां से जीरो, आर तो कांस्टेंट है जीरो हुआ, टू से टू तो हट गया, तो यहां से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इक्वल टू आर निकल के आएगा, है ना, ये मैंने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखो सबसे इजिएस्ट मेथड देखेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने का, तो यहां पे इजिएस्ट मेथड क्या है, यहां से आर की वैल्यू निकालो और ये जो आर की वैल्यू है ना उसको यहां पे पुट कर दो, तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपने यहां से r की वैल्यू निकाल के यहां पुट करोगे ना वो डिफिकल्ट है। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू कितना r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, तो ये सबसे आसान तरीका है, r भी हट गया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। ऑर्डर डिग्री पूछे तो ऑर्डर तो वन है मैक्सिमम डिफरेंशियल, और इसकी डिग्री कितनी होगी, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा ना, तो ये बी स्क्वायर होगा, मतलब डिग्री कितनी हुई टू, ऑर्डर है वन डिग्री है टू, अगर कोई पूछ लेता तो। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखो वो क्या है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, एफ डबल डैश एक्स इक्व टू जी डबल डैश एक्स दिया हुआ है अपन को, और क्या दे दिया, एफ डैश वन इक्व टू टू जी डैश वन इक्व टू फोर दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है एफ टू इक्व टू थ्री जी टू इक्वल्स टू नाइन दिया हुआ है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, शायद मैंने ये डिफरेंशिएशन में भी करवाया है बट इंपॉर्टेंट है तो अपन यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। तो देखो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करो तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते ही एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी डैश एक्स प्लस सी आया, सी आया। अब यहाँ पे देखो एफ डैश में किसकी वैल्यू दी हुई है वन की, तो एक्स इक्वल्स टू क्या पुट कर दो वन, तो एफ डैश वन इक्व टू जी डैश वन इक्व टू सी, ये आया। अब एफ डैश वन की वैल्यू कितनी है फोर, यहाँ पे फोर आया, जी डैश वन क्या होगा फोर अपॉन टू कितना हुआ टू प्लस सी, ठीक है। तो यहां से जो सी की वैल्यू कितनी हुई है टू, तो सी की वैल्यू पुट कर दो तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई अभी, एफ डैश एक्स इक्व टू जी डैश एक्स प्लस टू, ये आई किसकी इक्वेशन, अब नई इक्वेशन आ गई सी की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो
फिर से इंटीग्रेट कर दो तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, जी डैश एक्स का जी एक्स हुआ, 2 का 2x हुआ, नया कॉन्स्टेंट सी वन आ गया। अब एफ एक्स और जी एक्स में किसकी वैल्यू दी हुई है, देखो 2 की वैल्यू दी हुई है, तो x इक्व टू 2 पुट करना पड़ेगा, तो एफ टू इक्व टू जी टू प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस सी वन ऐसा हो जाएगा। अब एफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ टू इक्व टू 9 है, 9 इक्व टू जी टू, जी टू कितना होगा 9 अपॉन 3 विच इज 3 प्लस 4 प्लस सी वन इंप्लाइज दैट सी वन की वैल्यू कितनी होगा, यहां से 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा अपने पास 7, तो 9 माइनस 7 विच इज 2, सी वन इक्व टू कितना आया 2। मतलब इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई एफ एक्स इक्व टू जी एक्स प्लस 2x प्लस 2, ये हुई एफ एक्स। जी एक्स को इधर लेके आओ तो जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हुई 2x प्लस 2। तो यही तो अपन से क्वेश्चन में पूछा था, उसने क्या पूछा था fx माइनस gx की वैल्यू बताओ, तो फाइनल आंसर कितना आया 2x माइनस 2 फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ, और इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मतलब फंक्शनल इक्वेशन देके, अब वो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन करके ही सॉल्व होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो वो भी एग्जाम में पूछा गया था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का जो कैटेगरी है वो काफी सिंपल है। क्वेश्चन देखो क्या है, मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्या है क्वेश्चन। y3 का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 2y2 स्क्वायर, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है, इज सॉल्यूशन ऑफ, है ना, किसका सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन आया, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, x इक्वल्स टू a1y स्क्वायर प्लस a2y प्लस a3, दूसरा x इक्वल्स टू, दूसरा है y इक्वल्स टू a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, तीसरा ऑप्शन है y इक्वल्स टू a1x स्क्वायर प्लस a2x, और जो चौथा ऑप्शन है y इक्वल्स टू a1y स्क्वायर प्लस a2y, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये इन चारों में से किसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। अब देखो ये एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है, ये है y3 इक्वल्स टू 2y2 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, y इंटू d3y बाय dx क्यूब ऐसा इक्वल्स टू 2 इंटू d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहां से चेक करूं तो मेरे को पता चल रहा है कि इसके जो डिग्री है ना, जो ऑर्डर है, ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 3, ऑर्डर यहां पे 3 नजर आ रहा है, मैक्सिमम डिफरेंशियल 3 है ना, यहां पे d3y / dx क्यूब आ रहा है, तो ऑर्डर कितना है 3। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकता है जिसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, तो यहां पे तो a1 और a2, यहां पे भी a1 और a2, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि इन दोनों में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही 2 है, जिसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो सॉल्यूशन हो सकता है। तो अभी अपना पास फर्स्ट और सेकंड 2 आंसर आए, ठीक है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो तो देखो इसका मैंने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे x का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू a1 2y dy / dx प्लस a2 कांस्टेंट है y का dy / dx प्लस a3 का 0 हो गया। फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो 0 इक्वल्स टू a1 तो कांस्टेंट है, 2a1 कांस्टेंट है, y को छोड़ दिया d2y / dx स्क्वायर प्लस इस बार dy / dx को छोड़ दिया, तो जो dy / y का होगा d2y / dx स्क्वायर, जो y का डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा dy / dx, मतलब क्या हो गया dy / dx का होल स्क्वायर। a2 कांस्टेंट है, dy / dx का d2y / dx स्क्वायर, ये हुआ। अभी देखो मतलब ये अपना आंसर सही है, इसको सॉल्व कर लेना आप, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर a1 और a2 को रिमूव करना पड़ेगा, आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस। क्योंकि देखो ये कैसा कैसे बोल रहे हो आप डायरेक्ट, क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा जो सेकंड ऑप्शन, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, है ना, a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है।
अब अगर ये आंसर होता ना तो इसका तीन बार डिफरेंशिएशन करो, देखो अगर इसका मैं तीन बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो इधर पूरी x की टर्म है तो वो कितना हो जाएगा d3y by dx cube equals to zero, तो इसका तीन बार डिफरेंशिएशन करने पे तो ये आ रहा है जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, ओनली फर्स्ट वाला ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कैसे गए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गए क्योंकि इनमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। सेकंड ऑप्शन कैसा गया, क्योंकि इसका तीन बार डिफरेंशिएशन काफी आसान है, तीन बार डिफरेंशिएशन करो वो जीरो हो रहा है, अब वो तो इसके इक्वल है नहीं, तो मतलब अपने आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको सॉल्व करने में लग गए ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगर अच्छा होगा आप समझे कि ये दोनों ऑप्शन गए और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये आ रहा है, तो अपने आप कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी सोचना पड़ेगा ताकि क्वेश्चंस जो है थोड़े से आसानी से सॉल्व हों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।